नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन 2021 की प्लेलिस्ट बनकर तैयार है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसे फॉलो करिए। परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर का, इसे हम देखते हैं। महाराष्ट्र की गोंड गावरी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर हुई है। यह महाराष्ट्र की एक गोंड गावरी जाति थी जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर हुई है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह व्यवस्था दी कि गोंड गावरी अनुसूचित जनजाति नहीं है। यह महाराष्ट्र की जनजाति थी गोंड गावरी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया यह अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आता है, इस नाते इसे इस श्रेणी के लाभ हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने पहले से अनुसूचित जनजाति का भाग लाभ ले चुके इस समुदाय के लोगों को नहीं छेड़ने का भी आदेश दिया है। मतलब महाराष्ट्र की गोंड गावरी जनजाति थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि इस जनजाति के जो लोग, इस जाति के लोग, अब तो फिलहाल जनजाति नहीं रह गई है, लेकिन इस जाति के लोग अगर किसी प्रकार का कोई लाभ ले चुके हैं अनुसूचित जनजाति का, तो उन्हें किसी प्रकार से छेड़ा ना जाए। मसलन जो अनुसूचित जनजाति के लाभ अब तक ले चुके हैं वे अब उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे, पर अब भविष्य में इस श्रेणी के किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे। गोंड गावरी समुदाय को महाराष्ट्र सरकार ने विशेष पिछड़े वर्ग में शामिल कर रखा था, तो अब यह पिछड़े वर्ग में फिर से शामिल हो गया है। अब इसे एसटी में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे फिर से पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है गोंड गावरी जनजाति को। और जो लोग लाभ ले चुके हैं अब वह उनसे लाभ छीना भी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।